हल्दी इस पृथ्वी पर मौजूद सभी गुणकारी चीज़ों में से एक है। बहुत सी हाई क्वालिटी रिसर्च और स्टडीज़ में से ये बात साफ निकल कर आती है कि हल्दी हमारे दिमाग और पूरे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर जिसका नाम है न्यूट्रिशन डॉक्टर। आज की वीडियो में मैं आप सभी को 7 ऐसे हल्दी के गुण फ़ायदे बताने वाला हूँ और उसके उपयोग के तरीके बताऊँगा जो आपकी सेहत के लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप सभी मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको न्यूट्रिशन की सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हल्दी में बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिसमें बहुत ही पावरफुल मेडिसिनल खूबियाँ होती हैं। हल्दी एक पीले रंग का मसाला होता है। भारत देश में हजारों सालों से इसका उपयोग मसालों में तथा औषधि के रूप में किया जाता रहा है। आज के दौर में बहुत सी ऐसी साइंटिफिक स्टडीज़ तथा रिसर्च हैं जो कि भारत की परंपरा में होते आ रहे हल्दी के उपयोग का बखान करती हैं और बताती हैं कि इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कि बहुत ही पावरफुल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ दिखाती हैं। इसके अंदर मौजूद उस कंपाउंड को करक्यूमिनॉइड कहा जाता है। हल्दी में मौजूद एक्टिव इन्ग्रीडियंट करक्यूमिन को ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें बहुत से स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं तथा इसे सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है। हालांकि हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा नहीं होती। इसके वजन की तुलना में इसके अंदर मात्र 3% ही करक्यूमिन पाया जाता है। मैं आप सभी को एक और गौर करने वाली बात बता दूं कि अभी तक हल्दी को लेकर जितनी भी स्टडीज़ करी गई हैं वो हल्दी में मौजूद करक्यूमिन के ऊपर करी गई हैं, यानी करक्यूमिन को हल्दी में से निकालकर उस पर स्टडीज़ करी गई हैं। और स्टडीज़ में करक्यूमिन की डोसेज को 1 ग्राम तक लिया गया है, यानी इससे ये बात साफ हो जाती है कि करक्यूमिन की इतनी मात्रा का उपयोग करके ही हमारी सेहत पर प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं करक्यूमिन की इतनी मात्रा हल्दी से ले पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यदि आपको इसके पूरे फायदे चाहिए तो आप करक्यूमिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो कि आपको भरपूर मात्रा में करक्यूमिन देता है। लेकिन बहुत सी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि करक्यूमिन हमारे ब्लड में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए आपको इसके साथ काली मिर्च का सेवन करना पड़ेगा, क्योंकि काली मिर्च में पेपरिन नाम का एक नेचुरल सब्सटेंस पाया जाता है जो कि करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन को हमारे ब्लड में 2000 गुना तक बढ़ा देता है। इसलिए यदि आप करक्यूमिन सप्लीमेंट खरीदें तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इसके अंदर पेपरिन मौजूद हो। यदि आप सभी इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सभी वहां से परचेज कर सकते हैं। एक और बात आप सभी को ध्यान रखनी होगी कि करक्यूमिन एक फैट सॉल्युबल इंग्रेडिएंट है, इसलिए आप कोशिश करें कि इसे फैटी मील के साथ ज़रूर कंज्यूम करें। करक्यूमिन एक नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड है। इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। ये हमारी बॉडी में होने वाली बीमारियों से हमें बचाता है और हमारे शरीर में हुए डैमेज को रिपेयर करने का भी काम करता है। यदि हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन ना हो तो हमारे शरीर में हानिकारक कीटाणु जैसे बैक्टीरिया आदि आसानी से प्रवेश कर जाएंगे और हमारे शरीर को बहुत ही आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि हमारे शरीर में थोड़ी अवधि के लिए इन्फ्लामेशन होना अच्छी बात है, जिसे हम एक्यूट इन्फ्लामेशन भी बोलते हैं। लेकिन यदि ये इन्फ्लामेशन लंबे समय तक होने लगे, जिसे हम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बोलते हैं, तो ये हमारे टिश्यू को डैमेज करने लग जाती है। बहुत से वैज्ञानिक बड़ी तथा ख़तरनाक बीमारी जैसे हार्ट डिजीज़, कैंसर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अल्जाइमर के पीछे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को ही जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि हमें बीमारियों से बचना है तो हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हों और वो हमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से बचा सके। करक्यूमिन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से कंपेयर किया जाता है। हालांकि दवाइयों में आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, परंतु करक्यूमिन में आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। हमारे शरीर में NFKB नाम का एक मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे सेल के न्यूक्लियस में जाकर उसके जीन्स को बदल देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन होती है और हमें क्रॉनिक डिजीज़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और बहुत सी स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि करक्यूमिन एकमात्र ऐसा बायो एक्टिव कंपाउंड है जो कि हमारे शरीर में मॉलिक्यूलर लेवल तक जाकर इन्फ्लामेशन से लड़ता है। हल्दी की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत अधिक होती है। एजिंग और बहुत सी बीमारियों का मुख्य कारण हमारे सेल का ऑक्सीडेटिव डैमेज माना जाता है।
है जो कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में मौजूद ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे फैटी एसिड, प्रोटीन्स और डीएनए के साथ रिएक्ट करता है। हमारी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये हमें फ्री रेडिकल से बचाते हैं। कर्क्यूमिन एकमात्र ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि अपनी केमिकल संरचना की वजह से फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। कर्क्यूमिन की एक और खासियत ये है कि ये हमारे खुद के एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम की एक्टिविटी को बूस्ट कर देती है। अगर देखा जाए तो कर्क्यूमिन हमें दो तरीकों से फ्री रेडिकल से बचाती है, पहला फ्री रेडिकल्स को ब्लॉक करके तथा दूसरा हमारे शरीर की खुद की एंटीऑक्सीडेंट प्रक्रिया को तेज करके। कर्क्यूमिन हमारे ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स को बूस्ट करके हमारे दिमाग को अनेकों बीमारियों से बचाता है। ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स यानी BDNF एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन है जो कि हमारे दिमाग में कार्य करता है। बहुत सी दिमागी बीमारी जैसे डिप्रेशंस और अल्जाइमर में देखा गया है कि हमारे दिमाग में इस हार्मोन का लेवल कम होने की वजह से हमें दिमागी बीमारी होती है। बहुत से रिसर्च में ये देखा गया है कि कर्क्यूमिन हमारे दिमाग में BDNF हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा देती है। कर्क्यूमिन हमारी मेमोरी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है तथा बहुत सी दिमागी बीमारियों से बचाता है और उनको ठीक करके हमारे ब्रेन के फंक्शन को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देता है। कर्क्यूमिन हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें हार्ट से होने वाली बीमारियों से होती हैं। बहुत से वैज्ञानिक दशकों से इस बात के पीछे का कारण जानने में जुटे हुए हैं लेकिन इसको समझना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन बहुत से रिसर्च में ये बात साफ साफ निकल कर आती है कि कर्क्यूमिन हार्ट से होने वाली बीमारियों को ठीक करने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। एंडोथीलियम हमारे ब्लड वेसल्स की परत होती है और स्टडीज़ में देखा गया है कि हार्ट से होने वाली बीमारियों को ठीक करने में कर्क्यूमिन इसलिए सक्षम है क्योंकि ये सीधा एंडोथीलियम के फंक्शन को सुधारता है। हमें हार्ट से होने वाली बीमारियों का मुख्य कारण एंडोथीलियम का ठीक से ना काम करना माना जाता है। एंडोथीलियम के ठीक से ना काम करने की वजह से ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग तथा बहुत से दूसरे फैक्टर्स ठीक से काम नहीं कर पाते। जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कर्क्यूमिन इन्फ्लामेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है जिसकी वजह से ये हार्ट को दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है। इसी बात को लेकर 121 लोग जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करवाने वाले थे या कुछ करवा चुके थे उनके ऊपर एक स्टडी करी गई और उन्हें सर्जरी से पहले तथा बाद में कुछ दिनों तक लगातार 4 ग्राम कर्क्यूमिन रोज़ाना दिया गया और नतीजों में देखा गया कि उनके हार्ट अटैक होने का रिस्क 65% तक कम हो गया। हल्दी कैंसर से बचाव करने में बहुत असरदार है। जब हमारे शरीर में अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होने लग जाती है तो उसे कैंसर जैसी बीमारी का नाम दे दिया जाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। कैंसर के बहुत से अलग प्रकार होते हैं और कुछ के ऊपर कर्क्यूमिन सप्लीमेंट का बहुत ही सकारात्मक असर देखने को मिलता है। बहुत सी स्टडीज़ में हमें ये देखने को मिलता है कि कर्क्यूमिन कैंसर के उपचार में बहुत ही असरदार औषधि साबित होती है। ये कैंसर की ग्रोथ को कम करने, उसको बढ़ने से रोकने तथा उसको मॉलिक्यूलर लेवल तक फैलने से रोकने में बहुत असरदार होती है। स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि कर्क्यूमिन कैंसर सेल को मारने में काफ़ी सक्षम होती है तथा ट्यूमर में नए ब्लड वेसल की ग्रोथ को रोकने में तथा कैंसर को फैलने में भी काफ़ी असरदार होती है। कर्क्यूमिन सप्लीमेंट आर्थराइटिस में बहुत उपयोगी माना जाता है। आजकल पूरी दुनिया में आर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी मानी जाती है जो कि अक्सर बूढ़े लोगों में देखने को मिलती है। आर्थराइटिस के काफ़ी प्रकार होते हैं लेकिन सब में जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन की समस्या होती है। जैसा कि अभी मैंने आप सभी को ऊपर बताया था कि कर्क्यूमिन के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए ये आर्थराइटिस से बचाव करने में काफ़ी कारगर होता है। एक स्टडी में आर्थराइटिस से ग्रसित लोगों को कर्क्यूमिन सप्लीमेंट दिया गया और नतीजों में देखा गया कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से भी ज़्यादा असरदार था। बहुत सी दूसरी स्टडीज़ भी हमें ये बताती हैं कि कर्क्यूमिन आर्थराइटिस से बचाव करने में बहुत ज़्यादा असरदार होता है। अब मैं बात करता हूँ निष्कर्ष की, तो सबसे पहला है हल्दी और उसमें मौजूद कर्क्यूमिन हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। दूसरा है ये हमें हार्ट से होने वाली बीमारी, अल्जाइमर, कैंसर तथा आर्थराइटिस जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाता है। तीसरा, ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस है जो कि हमारे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से होने वाली बीमारियों से हमें बचाता है। चौथा, इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में मौजूद
फ्री रेडिकल्स को निकालने में काफ़ी असरदार होते हैं। पांचवा, यदि आप सभी कर्क्यूमिन सप्लीमेंट को खरीदना चाहते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर भी खरीद सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। अगला, कर्क्यूमिन की एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में काफ़ी कम होती है, इसलिए आप सभी ऐसे सप्लीमेंट को ही खरीदें जिसमें बायोपेप्रीन मौजूद हो, क्योंकि ये हमारे शरीर में कर्क्यूमिन की एब्जॉर्प्शन को 2000% तक बढ़ा देती है। और सबसे आखिरी निष्कर्ष, हल्दी हमारे शरीर के लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।